रिश्वा प्लीज मेरा फोन उठाओ, बात करो मुझसे। क्यों नहीं समझ आ रही आपको कि मेरा और अब आपका कोई ताल्लुक नहीं है? मैं आपको ब्लॉक कर चुकी हूँ जिंदगी से। बेहतर यही होगा कि आप भी मुझे करते। आ जाओ। आपके बेटे ने लॉयर हायर कर लिया, उसे प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। तुम्हें सारिम की कॉल आई है? जिन्हें हिस्से चाहिए होते हैं ना, वो कॉल्स नहीं करते मामा। बहरहाल हमारे जो लॉयर्स हैं, मैंने उन्हें बुला लिया है, बस वो पहुंचने वाले हैं। आप प्लीज उनसे लीगल्स डिस्कस कर लें, सारिम को उसका हिस्सा दे दे जो भी बनता है। इतनी जल्दबाजी में फैसला मत करो सादान, वो तो कम अकल है, तुम तो समझदार हो। कम अकल तो मैं हूं मामा, जो उसकी चालें समझ ही नहीं सका, और वो इतना अकलमंद है कि हमारे साथ रहते हुए उसने हमें बर्बाद कर दिया। बर्बाद तो वो खुद को कर रहा है और उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं। I don't even care anymore. मैं तो यहां से चला जाऊंगा। इस घर से मुझे कोई शेयर नहीं चाहिए, और बाकी बिजनेस और प्रॉपर्टीज में जो उसका हिस्सा बनता है आप उसे दे दो। कुछ फैसलों का इख्तियार मेरे पास भी रहने दो। उसको क्या देना है क्या नहीं, इसका फैसला मैं करूंगी। ठीक है, आपको जो फैसला करना है आप जल्द से जल्द कर लें। दो दिन में वैसे भी मेरी फ्लाइट है, और मैं नहीं चाहता कि सारिम की ख्वाहिशात पूरी करने में मतलब है।